नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कक्षा नवी अक्षर भारती मराठी इसकी दूसरी इकाई से 15वां लेसन माझे शिक्षक व संस्कार ये लेकर आई हूँ। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। इसको लिखा है शंकर राव खरात ने। हम इसको हिंदी और मराठी भी दोनों में समझने वाले हैं। देखिए, खरात, इनका जन्म 1921 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2001 में हुई। ठीक है, ये एक कथाकार, कादंबरीकार, लेखक, दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग घेणारे, यानी ये दलित वर्ग के थे और दलित चळवळी जो भी होते थे उसके अंदर वो अच्छे से भाग लेते थे। तळीपार, सांगावा, आडगावचे पाणी इत्यादि कथासंग्रह, झोपडपट्टी, फुटपाथ नंबर एक, माझं नाव इत्यादी कादंबऱ्या त्यांनी, यांनी इतनी सब कहानियाँ लिखी है। तराळ तराळ अंतराळ हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहे, है ना, उन्होंने आत्मचरित्र भी लिखा हुआ है। विद्यार्थी दशेत शिक्षक कडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्त्व, यानी विद्यार्थियों को जो शिक्षकों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से जो संस्कार मिलते हैं, जो सीख मिलती है, उसका महत्त्व, उसका इम्पोर्टेंस इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी व्यक्त केलेले, मतलब इसमें बताया, मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। यहाँ पे लेखक बोल रहे, मी माझी गावातली शाळा सोडणार होतो, अर्थात गाँव की स्कूल छोड़ने वाले थे। पुढील शिक्षणासाठी औंध जिल्हा सातारा येथील हायस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो, आणि आगे की पढाई के लिए औंध जिल्हा सातारा का गाँव है, वहाँ पर जाकर हाईस्कूल की पढाई के बारे में सोच रहे थे। तसे माझे प्रयत्न ही चालू होते, और उसी तरह से उनके प्रयत्न भी उसके लिए चालू थे वहाँ जाकर पढ़ने के लिए। ठीक है, त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती। वो बोले इसमें मैं ये काम जो है मेरा पूरा हो जाएगा, इसका मुझे पूरा पूरी खात्री थी, यानी वो पूरी तरह से श्योर थे इस बारे में। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो, और इसी बात के लिए, पूछताछ करने के लिए जो है अपने स्कूल में के एक जो टीचर थे उनके, उनसे मिलने के लिए वो गए थे। भेट लेना यानी मिलना, त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते, और उनका उनके द्वारा दी गई एडवाइस, उनके द्वारा किया गया गाइडेंस वो उनको मिल ही रहा था। मी हणमंतराव देशमुख हे गावाचे, श्री हणमंतराव देशमुख हे गावाचेच रहिवासी, यानी हणमंतराव देशमुख जो है वो उसी गांव के रहिवासी, उसी गांव में रहने वाले थे। त्यांनी मला इंग्रजी तरखड़करांचे भाषांतर शिकवले। वो बोलते उन्होंने मुझे अंग्रेजी में जो तरखड़कर का बुक है उससे भाषांतर, यानी दूसरी भाषा में जो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना जिसको, वो करना सिखाया, दूसरी भाषा में बदलना सिखाया, है ना। ते कसे स्काउट मास्टर ही होते, वे स्काउट के टीचर भी थे। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले। वो बोलते हैं कि उन्होंने स्कूल का जो स्काउट का जो उनका ग्रुप था उसको, उसका पाया एकदम मजबूत बना दिया था। श्री कात्रे मास्तरांनी मला चौथीच्या वर्गात गणित शिकवले। वो बोलते कात्रे सर जो उन्होंने चौथी में उनको गणित विषय पढ़ाया था, अंक गणितासारखा अवघड विषय, यानी अंक गणित के जैसा कठिन विषय, अवघड यानी कठिन, त्यांनी सोप्पा करून शिकवला, यानी उन्होंने इजी करके सिखाया, सोप्पा यानी इजी। आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सड़ पात्र, बोले जो ये कात्रे मास्तर जो टीचर है जो गणित पढ़ाते थे वो वैसे तो बहुत दुबले पतले थे, सड़ पात्र यानी दुबले पतले, दरम्यानच्या दम्याच्या विकारांने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा, चाहे उनको सांस लेने की बीमारी थी, दमा की बीमारी थी, उससे उनको कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो जाती थी। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकड़ फोड़ायला जायचे। बोले ये जो कात्रे मास्तर है जिन जो हमें गणित पढ़ाते थे उनके घर मेरे जो पिताजी वो लकड़ी फोड़ने का काम करने के लिए जाते थे। लाकड़ फोड़ायला मतलब लकड़ी फोड़ने, श्री ये लकड़ियाँ क्यों फोड़ी जाती थी, तो पहले जो चूल्हे में लगाने के लिए, खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ ही यूज में लाई जाती थी उसके लिए। श्री गोडीवडेकर मास्तर मला मराठी पाचवीत होते। अब गोडीवडेकर जो मास्तर है वो इनको पढ़ाए, पांचवी क्लास में मराठी पढ़ाते थे, इतिहास भूगोल शिकवायचे, और इतिहास भूगोल भी वो पढ़ाते थे। इंग्रजी पहली तरखड़करांचे पहले भाषांतर शिकवायचे, परंतु वो क्या करते थे उसमें पहले इंग्रजी पहली, यानी इंग्रजी माध्यम की जो पहली रहती थी उसके अंदर, फर्स्ट क्लास रहती थी उसके अंदर जो है वो भाषांतर भी सिखाते थे, मतलब इंटरप्रिटेशन भी सिखाते थे। श्री गोडीवडेकर खरे शेतीतज्ञ, वो बोलते हैं
जो घोड़ीवडेकर है वो उनको एग्रीकल्चर का बहुत नॉलेज था, है ना, खेती तज्ञ थे वो, शिक्षक एने वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में टीचर थे, शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचं अर्ध लक्ष असे, स्कूल में जो बगीचा होता है, आसपास जो गार्डन होता है, उसी को अच्छा बनाने में उनका आधा ध्यान, अर्ध लक्ष आणि आधा ध्यान जो है उनका उसमें रहता था। त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय झाला, और उसमें लेखक और वो जो सर है घोड़ीवडेकर, इनका अच्छे से यानी जवळ से यानी क्लोज वो एक दूसरे को पहचानने लगे, उनका परिचय हो गया। त्याच कारण शाळेच्या बागा आमच्या सारख्या मुलांच्या जीवावर तर उभ्या होता। वो बोलते त्याचं कारण असं आहे, आणि उसका कारण ऐसा है कि स्कूल की जो बगीचा है, उसका जो गार्डन है, वो हम जैसे बच्चों की जान पर ही तो खड़ा किया हुआ था, जीवावर ने हम जैसे बच्चों के जान पर, आम्ही मुलं वयानं तसंच हाडानं पिंडानं मोठाडं। वो बोलते हम जैसे हम जो बच्चे हैं, हम उम्र से हाड से आणि हड्डियों से और शरीर से कैसे मोठाळे आणि एकदम बड़े, कष्टाच्या कामाला कण कर, और हम कष्ट के मेहनत के काम को कैसे मेहनत के काम के लिए हम बड़े मजबूत थे, कणखर आणि मजबूत। शाळेची गावच्या ओळ्याकाठची बाग ही खरे तर आमच्या मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली। वो बोलते स्कूल के बाजू में जो ओढ़ा है, उसके पास में जो बाग लगी हुई, बगीचा लगा हुआ है, वो हम बच्चों की जान पर ही तो अच्छे से फल फूल रहा है। या बागेतल्या विहिरीचं पाणी दोन दोन तास रहाटाने ओढून बागेतल्या फुलझाडांना फलझाडांना आम्ही देत असो। बोले वहां पे जो विहीर है ने कुआ है ना, वहां जो कुआ है, उस कुएं का पानी हम दो दो घंटे तक रहाटे से खींचते, रहाटे से ने कुएं का पानी खींचने के लिए उस पर एक लकड़ी का ऐसा चक्र लगा हुआ रहता है, और उसमें डोरी अटका के और फिर बर्तन अंदर बाल्टी वगैरह डालकर पानी खींचा जाता है, और वो चक्र गोल गोल घूमता है खींचते समय, उसको रहाटा बोला जाता है। उससे दो दो घंटे तक ये बच्चे जो है पानी खींच के और वहाँ पर डालते थे, बागेतल्या फूल झाड़ना फल झाड़ना आम्ही देते असो, ने बाग में जो फूल के झाड़ फलों के झाड़े उनमें डालते थे, तेव्हा ती फुलझाडं आणि फलझाडं तरारून उभी राहत होती, और इसीलिए जो फूलों के और फलों के जो झाड़ वो एकदम स्ट्रेट अच्छे से ताट मान करके खड़े थे। त्यामुळे श्री घोड़ीवडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे, और इसीलिए जो घोड़ीवडेकर सर थे वो इन बच्चों पे बड़ा प्रेम करते थे, कि इन्होंने इतने अच्छा बगीचा बना के रखा था। बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदवायची, त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे, अशी सगळी कष्टांची कामे आम्ही मुलं करत असू, आणि जमीन को खोदना कुदली से आणि कुदाली से उसको खोदना, उसके बाद में उस झाड़ के आजू बाजू की जमीन खोद कर उसके वाफे करना, इन्हें से तो पानी उसमें रुक जाए, ऐसी झाड़ों के आसपास की व्यवस्था कर देना, मिट्टी को खोद के नाली जैसा बना देना, बंद घालायचे, और फिर वो मिट्टी वहाँ पे झाड़ों उस नाली के आसपास जमा करके, ताकि पानी उसमें जमा होके रहे, ऐसा ऐसी सब कष्टों के कामें ने मेहनत के जो कामें वो बच्चे करते थे। हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे। वो बोले जो हेडमास्टर थे नाईक मास्तर, उनका तो बड़ा दबदबा था स्कूल में, तसेच ते शिस्तीचे कडे भोगते, और उनको जो है डिसिप्लिन बड़ा पसंद था, है ना, बहुत कड़क डिसिप्लिन वो रखते थे। या शिस्तप्रिय हेडमास्तरांनी माझ्या शाळेला चांगली शिस्त लावली। बोलते हमारे स्कूल को इन्हीं हेडमास्तर ने यानी इन्हीं हेड टीचर ने जो है बहुत अच्छी डिसिप्लिन सिखाई पूरे स्कूल को। शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत, आणि जैसी स्कूल की दुसरी घंटी बज जाती थी, वैसे ही वो हाथ में छड़ी लेकर स्कूल के गेट के ऊपर दारात यानी गेट के ऊपर खड़े हो जाते थे, रुकते थे। अशा शिस्तीत मग कोण उशिरा येईल असा त्यांचा दरारा। फिर ऐसे अगर मार खाने को मिलेगी तो कौन देर से आएगा, उशिरा ने देर से, असा त्यांचा दरारा, ऐसा उनका दबदबा था। श्री नाईक हे मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत, यानी वो बता रहे जो नाईक सर है वो उनको इंग्लिश और इतिहास पढ़ाते थे चौथी में, त्यात इंग्रजी के रेन मार्टिन के ग्रामर तो थे आवड़ी ने शिकवत, और इंग्लिश की जो रेन मार्टिन की ग्रामर की बुक है उसको बड़े अच्छे से पढ़ाते थे। ते सदा न कदा विद्यार्थ्यांना सर्वोपदेश करत, वो कभी न कभी कभी क्या होता था बच्चों की काउंसिलिंग भी किया करते थे। श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पड़त नसत, उनको रायगावकर जो सर है उनके जैसा पब्लिक कामों में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपण बरं ना आपली शाळा बरी, उनके लिए वो खुद और उनकी स्कूल बस इतना ही कार्य था, हेच त्यांचं कार्य। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली, आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली, और इसीलिए उन्होंने पूरे स्कूल को जो है डिसिप्लिन सिखाई, क्योंकि उनको किसी भी पब्लिक काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ उनकी स्कूल और वो इतना ही उनको मालूम था। उनके कारण जो है उनकी स्कूल ने बहुत प्रोग्रेस की उनके समय में, है ना, चाहे वो रिजल्ट हो चाहे वो और कुछ हो। ओनला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो। अब ये बोले लेखक कि मुझे ऑन जाना था हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए, इसलिए मैं अब नाईक सर को मिलने के लिए गया, और
त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन किया, उन्होंने मेरे को अच्छे से मार्गदर्शन किया, मुझे सब बात बताई। शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं। जब मी स्कूलमध्ये था तभी भी वो मेरे ऊपर ध्यान देते। शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावे, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी, या बाबतीत त्यांनी केलेला हित उपदेश मी कधीच विसरू शकत नाही। वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन के साथ में कैसा जिंदगी जीना चाहिए, कैसे अपने जीवन में प्रगति करना चाहिए, और इस बारे में उन्होंने जो भी अच्छी बातें उनको सिखाई, हितोपदेश ने अच्छी अच्छी नसीहतें दी, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, वो कभी भी लेखक जो है भूल नहीं सकते अपने जीवन में। श्री रायगावकर देशपांडे हा शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले होते। उन्होंने मतलब रायगावकर और देशपांडे सर ने उनके ऊपर बहुत अच्छे संस्कार किए थे, अच्छे संस्कार उनको सिखाए थे, इसलिए जो है वो उनके उपकृत हो गए थे, उनके 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 सामने झुके हुए थे। कैसे थे एक दोन प्रसंग ये थे उद्धृत करूँ स्पष्ट कर दो। बोलते ऐसे एक दो घटनाएं जो है मैं आपके सामने यहाँ पर बताता हूँ। बड़े मतलब कुश्ती सारे खेल सुधा जात पात मान ली जाते थे। वो बोले कुश्ती जैसा जो गेम होता था उसमें भी उस समय में जात पात वगैरह का भेदभाव होता था। आम गावत ही आम मुलांसाठी वेगळी तालीम होती, यानी और उनके गाँव में भी उनके जैसे बच्चों के लिए अलग से उनको सिखाया जाता था। लहानपणी में बऱ्यापैकी कुश्त्या करता से वो बचपन में। बोले मैं बचपन में लहानपणी यानी बचपन में बहुत कुस्ती खेला करता था। हंगामात कुस्त्या करून मी कधी खोबरे कधी नारळ कधी 1000 रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत। मतलब वो जब कुस्ती का मौसम होता था, हंगाम होता था, उस समय उन्होंने कभी कभी जीत खोबरा यानी नारियल के अंदर का जो खोपरा रहता सूखा वो जीता, कभी नारियल जीता, कभी 1000 रुपये का भी इनाम मिला है उनको। एक पटका सुद्धा एकदा मिळाल्याचे आठवते। असाच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फड पाहायला गेलो होतो। एक बार ऐसी कुस्ती का कॉम्पिटिशन देखने के लिए गए। तेथे एका थोराड मुलाला आणि एक बड्यासे लड़के को याला जोड़ याला जोड़ म्हणून फडात फिरवत होतो। और वो लड़के के लिए कि इसके साथ में कौन लड़ेगा, याला जोड़े इसके साथ कौन जोड़ी बनाएगा, कौन लड़ेगा, ये करते हुए फड़ में घूम रहे थे। 2 राउंड मारू ने त्याला कोणी जोड़ उभा राहिला नाही, यानी उसने 2 राउंड पूरे ग्राउंड के लगा लिए, तभी भी उसके साथ में लड़ने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। तेव्हा आमच्यातला एक जण म्हणाला, शंकर या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड्याबरोबर, यानी शंकर तू उठेगा क्या, तू लड़ेगा क्या उसके साथ कुश्ती त्या गड्याबरोबर उस आदमी के साथ में। मी हा हा म्हणत मैदानात गेलो और उसने हाँ बोला और मैदान में गया आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवली और लढने की तयारी अपनी दिखाई। पण मला कोणीतरी ओळखले आणि हटकले, परंतु उसको किसी ने तो पहचान लिया कि ये जो है नीची जाती के है और उनको वहां से हडक दिया यानी भगा दिया। मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो। अबे बहुत छोटा सा मुंह लेकर जो है वापस आ गए। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली। अब ये चीज जो है वो रायगावकर जो सर है उनको समझ में आ गई थी और उन्होंने उसको समझाया और बोले, अरे समाज अजून निद्रिस्त आहे, अरे अभी समाज जो है हमारा सोसाइटी जो है वो सोई हुई है। खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पहावे। वो उनको ये नहीं पता कि खेल के मैदान में जाति पाति नहीं देखना चाहिए बल्कि उनकी स्किल्स देखना चाहिए खेलने वालों की खिलाड़ियों की। हे अजून त्याला नीट समजले नाही, यानी इस समाज को ये बात अभी अच्छे से नीट यानी अच्छे से समझी नहीं है। पण एक दिवस असा येईल पर एक दिन ऐसा आएगा हे सारे नष्ट होईल, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलवले जाईल और तुम्हारे जैसे लोगों को जात पात हटाकर इस स्पर्धा में मान सम्मान के साथ में बुलाया जाएगा। असाच एक दूसरा प्रसंग लेखक बोलते ऐसे ही और दूसरा प्रसंग है कि शिमग्याच्या धुडबळीला आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला। यानी शिमगा यानी होली के बाद का एक त्यौहार रहता है शिमगे में, तो वो धुड़बड़ी के समय में उनके बस्ती में यानी उनके वहाँ पर जहाँ वो रहते थे उस बस्ती में प्रौढ़ वर्ग तमाशा सा फड़ उभर आया। यानी प्रौढ़ वर्ग यानी जो ऐसे निरक्षर बूढ़े लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे बूढ़े लोग उनको निरक्षर मतलब निरक्षर बूढ़े लोग बोला जाएगा, तो उनको जो है पढ़ाया जाता था ऐसी जगह पर। क्या हुआ, तमाशे का फड़ यानी तमाशे का वाले लोग जो है वो वहाँ पे खड़े हो गए। त्या दिवशी प्रौढ़ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता और उस दिन जो प्रौढ़ साक्षरता यानी प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने का जो क्लास था वो बंद कर दिया गया था। पण रायगावकर मास्तरांना त्याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले। पर जो रायगावकर सर है उनको पता ही नहीं था कि आज जो है प्रौढ़ वर्ग यानी प्रौढ़ साक्षरते का जो क्लास है वो बंद है, तो वो उनको लगा चालू है और वो नेहमीप्रमाणे यानी हमेशा की तरह उस क्लास को भेट देने के लिए यानी देखने के लिए कि जो वृद्ध लोग है वो कैसे पढ़ रहे हैं वगैरह आ गए। प्रौढ़ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चाललेला
तमाशा चाललेला होता। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे प्रौढ़ वर्ग तो भरा हुआ नहीं है, बल्कि कंदील के प्रकाश में जो तमाशे का तमाशा चल रहा है, नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा है। ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले और ये देखकर वो जल एकदम तुरंत ही पीछे पलट गए। त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गुलो, और जैसे उनको देखा वैसे ही लेखक उनको उनके सामने आ गए। माझी मान खाली झाली, तर लेखक की जो गर्दन है वो झुक गई। ते पाहून मास्तर म्हणाले, वो देखकर सर बोले, अरे आज धुलिवंदन हे चालायचेस की, अरे आज तो धुलिवंदन है ना, आज क्या है धुळीवडा है शिमग्याचा, और ये सब तो चलने वाला है तमाशा वगैरह सा। अन मास्तर तसेच वाटेला गेले, वो वैसे ही पलट कर अपने रास्ते को फटाक से चले गए। अग मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले, और दूसरे दिन फिर वे बोले लेखक से कि शंकर तू हे ध्यानात ठेव, कि शंकर तू ये बात ध्यान में रख, जिथे प्रौढ़ साक्षरतेचा तेसा वर्ग चलता है ना, जहाँ पे वृद्ध लोगों को प्रौढ़ लोगों को सिखाने का पढ़ाने का कार्य चलता है, वर्ग चलता है, क्लास चलता है, तुम ही अभ्यास करता, और जहाँ पर तुम पढ़ाई करते हो त्या विद्येच्या मंदिरात, ऐसे विद्या के मंदिर में तमाशा कसा होगा, यानी ये नाच गाने वाले कैसे तुम लेकर आ गए वहाँ पर नाचने के लिए, सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मैं सर ने मुझे जो ये उपदेश दिया ये बात समझाई ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तो विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद कि अब आपको माझे शिक्षक व संस्कार ये जो लेसन है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, मिल बांटकर अपने फ्रेंड्स के साथ में पढ़िए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।